आज पोस्टर में हम आपके सामने आतंक के उन चेहरों को बेनकाब करने वाले हैं जिन्होंने पटरी पर दौड़ती ट्रेन में एक छोटे केमिकल बम की बदौलत एक बड़े धमाके की खौफनाक साजिश रची थी। दरअसल दरभंगा ब्लास्ट केस में अभी तक पकड़े गए तमाम आरोपी तो पाकिस्तान में बैठे साजिश के मास्टरमाइंड के मोहरे भर हैं, क्योंकि सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में धमाके की साजिश का असल गुनहगार तो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना और भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद ही है। दरभंगा ब्लास्ट केस में बड़ी साजिश का पर्दाफाश। चलती ट्रेन को उड़ाने की थी साजिश। आतंकी ने खोले साजिश के राज। हाफिज की दरभंगा साजिश। दरभंगा ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी नासिर ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के इशारे पर रची द बर्निंग ट्रेन की खौफनाक साजिश का हर राज एनआईए की टीम की पूछताछ में उगल दिया है। दरअसल आतंकियों का मंसूबा पटरी पर दौड़ती ट्रेन में इतना बड़ा धमाका करने का था कि पूरी ट्रेन के ही परखचे उड़ जाते। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर के मुताबिक दरभंगा ब्लास्ट केस की जांच कर रही एनआईए की इन्वेस्टिगेटिव टीम को गिरफ्तार आतंकी नासिर ने बताया कि लश्कर आतंकी इकबाल खाना ने उसे ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग दी। प्लान के मुताबिक नासिर का मकसद टाइम बम बनाने का था। बम बनाने में नासिर ने नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया था। बम में नाइट्रेक और सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल से चलती ट्रेन के परखचे उड़ जाते। प्लान के मुताबिक बम का डेटोनेटर फटने से पहले उसके सर्किट को फ्लेम मिलना जरूरी था। इसके लिए नाइट्रेक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। इकबाल ने नासिर को दोनों के बीच एक कागज रखने की हिदायत दी थी। माना जाता है कि ऐसा करने पर कागज एसिड की वजह से कुछ देर में जल जाता और दोनों एसिड मिल जाते। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिलते ही धमाका होता, लेकिन नासिर ने गलती से दोनों एसिड के बीच हार्ड बोर्ड रख दिया। पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकी सरगना हाफिज सईद ने भारत को धमाकों से दहलाने की एक खौफनाक साजिश रची थी। दरअसल आतंकियों ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को द बर्निंग ट्रेन बनाने की एक खौफनाक और फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन पकड़े गए आतंकी नासिर के एक गलती ने उन्हीं के प्लान को फ्लॉप करके रख दिया। अब नासिर ने एनआईए के सामने इस पूरे साजिश से जुड़े राज को उगल दिया। दरअसल दरभंगा ब्लास्ट केस की तफ्तीश कर रही एनआईए की एक टीम ने हैदराबाद से दो भाइयों इमरान मलिक और नासिर को गिरफ्तार किया था। दोनों भाई उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर के मुताबिक पूछताछ में दोनों भाइयों ने एनआईए को इस साजिश का हर राज बता दिया है। खबर के मुताबिक 15 जून की रात 10 बजे के आसपास सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस सिकंदराबाद से रवाना हुई थी। यह ट्रेन सबसे पहले काजीपेट जंक्शन पर रुकती है। काजीपेट तक पहुंचने के लिए ट्रेन को 1 घंटे 54 मिनट का वक्त लगता है। आतंकियों ने सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन के पार्सल वैन में केमिकल बम रखा था। दहशतगर्दों ने सिकंदराबाद स्टेशन से 132 किलोमीटर दूर काजीपेट जंक्शन पर ब्लास्ट कराने की साजिश रची थी। आतंकियों की साजिश इस केमिकल बम को रात के वक्त ब्लास्ट कराने की थी ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये केमिकल बम 17 जून की दोपहर में दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर फटा था।
आरोपियों के खिलाफ एनआईए को जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं। एनआईए की टीम ने जब इमरान और नासिर के ठिकाने पर छापे मारे थे तो वहां से भी उन्हें आईईडी बनाने का सामान और बम बनाने से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। यही नहीं, जांच एजेंसी के हाथ दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन समेत कुछ डिजिटल सबूत भी लगे हैं। अगर चलती ट्रेन में आतंकियों की विस्फोट कराने की साजिश कामयाब हो जाती तो इस विस्फोट में कई लोगों की जान जा सकती थी। दरअसल आतंकी ट्रेन में ब्लास्ट रात के समय कराना चाहते थे ताकि उससे आग लगती और एक बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन नासिर की एक गलती की वजह से धमाका तब हुआ जब ये पार्सल दरभंगा स्टेशन पर उतारा जा चुका था। और अब आगे की पूछताछ के लिए एनआईए नासिर और इमरान को दिल्ली लेकर आई है। इमरान और नासिर ही नहीं, एनआईए दरभंगा ब्लास्ट केस में लश्कर और हाफिज सईद के दो और गुर्गों मोहम्मद सलीम अहमद और हाजी सलीम और कफील को भी गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल इमरान और नासिर से पूछताछ के दौरान एनआईए को सलीम और कफील के बारे में पता चला था। एनआईए की जांच के मुताबिक बिहार के दरभंगा स्टेशन पर हुए बम ब्लास्ट के असल गुनहगार और मास्टरमाइंड इमरान और नासिर नहीं बल्कि सलीम और कफील हैं। एनआईए के मुताबिक फरवरी 2021 में आतंकी सलीम के घर पर इस बम धमाके की साजिश रची गई थी। साजिश के तहत आरोपियों ने ट्रेन में आईईडी प्लांट करने की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने इस ब्लास्ट में होने वाले नुकसान का भी अंदाजा लगाया था। इस ब्लास्ट के लिए करोड़ों रुपयों की फंडिंग हुई थी। सलीम और कफील की गिरफ्तारी के बाद एनआईए के हाथ जो सबूत लगे हैं वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि दरभंगा ब्लास्ट के पीछे लश्करे तैयबा का हाथ है। एनआईए को जांच में ये भी बात पता चली है कि मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद चलती ट्रेन को जलाकर राख कर देना चाहता था। सलीम जो कि आतंकी इकबाल के इशारे पे काम कर रहा था और ये नासिर और इमरान का हैंडलर भी था। एनआईए के कब्जे में आए ये चारों आतंकी में से सलीम सबसे खतरनाक था। एनआईए की जांच के मुताबिक सलीम लश्कर ए तैयबा के आतंकी इमरान खाना का करीबी है। सलीम के घर पर ट्रेन में ब्लास्ट की पूरी साजिश पाकिस्तान में बैठे आतंकी इकबाल के इशारे पर बनाई गई थी। दरभंगा हमले की साजिश में सलीम का किरदार इतना अहम था कि वो पाकिस्तान में बैठे इकबाल खाना और बाकी आरोपियों के बीच एक अहम कड़ी बन चुका था। बताया जा रहा है कि धमाके के लिए फंड के इंतजाम में सलीम ने अहम रोल निभाया था। एविडेंस काफी है एनआईए के पास, तो हम ये चूंकि अंदर इन्वेस्टिगेशन है तो इसको अभी डिस्क्लोज डॉक्यूमेंट्स करेंगे नहीं, और इसको ये सलीम को जुडिशियल कस्टडी में ही है। अभी एनआईए ने उसके हम लोग ने मांगा है ये काफिल का 6 दिन का और 9 तारीख तक मिला है। ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी? साजिश तो काफी बड़ी थी और जब ये ब्लास्ट हो जाता तो काफी जाने जाती। दरअसल न्यूज 18 ने ही आपको सबसे पहले ये बताया था कि दरभंगा स्टेशन बम ब्लास्ट में पाकिस्तानी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2 हैदराबाद से और 2 उत्तर प्रदेश के शामली से। सभी आरोपियों से एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस धमाके का कनेक्शन पाकिस्तान, हाफिज सईद और लश्कर ए तैयबा से है, और जल्द ही एनआईए दरभंगा बम धमाके की साजिश से जुड़े हर किरदार को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगी। न्यूज 18 ने ही आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि दरभंगा ब्लास्ट केस के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं, और एनआईए की शुरुआती जांच भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में धमाके की साजिश में पाकिस्तान का हाथ है। दरअसल धमाके की जांच के दौरान सिकंदराबाद स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए एनआईए को इस केस में पहला सबूत मिला था, क्योंकि इसी सीसीटीवी फुटेज की बदौलत एनआईए इमरान और नासिर तक पहुंच पाई थी। हाफिज की बर्निंग ट्रेन वाली साजिश बेनकाब।
गिरफ्त में केमिकल बम रखने वाले आतंकी। हाँ, कभी कभी दुकान पर आते थे, कल जो आया था ना पुलिस वाले, जब कल पता चला। NIA की पूछताछ, आतंकियों ने उगले राज। गौर से देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में नजर आ रहे यही वो दो आतंकी हैं जिन्होंने लश्कर सरगना हाफिज की बर्निंग ट्रेन वाली साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी। 15 जून का ये सीसीटीवी फुटेज तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का है। इसमें संदिग्ध आतंकी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर एक कार से पार्सल निकालकर बुकिंग के लिए ले जाते दिख रहे हैं। दरअसल 15 जून को लश्कर के ये दोनों आतंकी टैक्सी करके सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कार की डिक्की से दोनों ने एक पार्सल बाहर निकाला और फिर इस पार्सल को लेकर स्टेशन के अंदर चले गए। ये पार्सल सिकंदराबाद से ट्रेन के जरिए दरभंगा पहुंचा और जैसे ही इस पार्सल को स्टेशन पर उतारा गया, इसमें विस्फोट हो गया। दरभंगा में जो ये पार्सल ब्लास्ट हुआ है, इससे दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक कि स्लीपर सेल पूरे देश में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरे पाकिस्तान लश्कर के थ्रू या जिसके भी थ्रू उन्हें एक्टिव करने की काबिलियत रखता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा बड़ी ज़िम्मेदारी से कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज को काफ़ी हद तक इन स्लीपर सेल्स के बारे में पता है। पिन पॉइंटेड इनको ट्रैक करना मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है और जिस पर एक बड़ा इंटेलिजेंस चैलेंज है हमारे ऊपर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर NIA ने जब अपनी तफ्तीश शुरू की तो लश्कर की बर्निंग ट्रेन वाली साजिश का भंडाफोड़ हो गया। दरअसल दरभंगा धमाके का जिम्मा मिलते ही इमरान और नासिर साजिश को अंजाम देने में लग गए थे। दोनों कपड़े का कारोबार करते थे लेकिन इन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग भी मिली थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन दोनों आतंकियों ने पार्सल में जानबूझकर सिंथेटिक कपड़े रखे थे। यही नहीं, इन कपड़ों के बीच केमिकल की एक बोतल भी रखी थी। शक है कि इस बोतल पर सेंसर लगा था और इसी बोतल से धमाका करने का प्लान तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकी पूरी ट्रेन को जलाकर राख कर देना चाहते थे, इसी मकसद से उन्होंने बोतल के ऊपर सेंसर लगाया। आतंकी चाहते थे कि जब ट्रेन पूरी रफ्तार में हो तभी धमाके को अंजाम दिया जाए। चूंकि सिंथेटिक कपड़ा जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई और ट्रेन में धमाका नहीं हो पाया। बाहरी लेयर जायज बात है कपड़ों की लगाई गई होगी, जो कि अंदर वाले जो केमिकल्स हैं उनकी सॉफ्टनेस को डिटेक्ट ना कर पाए। और साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेज पर ज़रूरी है कि किसी भी IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जब बनाए जाते हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। छोटी सी बात है कि आप एक केमिकल जो एक्सप्लोसिव केमिकल है आपका, वो एक आप बोतल में रखें, उसके बाहर एक सेंसर लगा दें। जैसे ही सेंसर और बॉटल के बीच का केमिकल का कॉन्टेक्ट होगा वो अपने आप आग पकड़ लेगा। NIA की अब तक की जांच में ये पता चला है कि आतंकी मोहम्मद नासिर 3 बार पाकिस्तान गया था और वहीं से केमिकल बम बनाना सीखा था। इसी तकनीक के जरिए ये आतंकी चलती ट्रेन में भी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे नाकामयाब हो गए। NIA इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि हाफिज के दो शैतान जांच एजेंसियों के राडार पर आए कैसे, इन्हें कैसे दबोचकर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। दरअसल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से इन दोनों आतंकियों की पहचान हुई। इसके बाद NIA बर्निंग ट्रेन की साजिश रचने वाले इन दो आरोपियों तक पहुंच गई। जांच एजेंसी ने उनके ठिकानों पर छापे मारे और हैदराबाद से इन्हें गिरफ्त में ले लिया। ये दोनों जिस इलाके में रहते थे उसके आसपास रहने वालों और दुकानदारों से बातचीत कर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। इन्हें यहाँ पे 1.5-2 साल से रहता भाई, हर रमजान को रमजान लगाता था, लाता माल लेके चल जाता, उसके बाद घर भी नहीं मालूम मेरे को, बस आता चल जाता और कुछ भी नहीं। तो ये क्या वो कपड़े लाता था, कपड़े बेचता था, चल जाता था, लेडीज कपड़े। अच्छा। बस
तो कितने सालों से वो देख? 150 साल से ज्यादा नहीं। तो अब कभी आपको शक हुआ या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी शक नहीं हुआ। शक हुआ तो पहले ही पकड़ के दे देता था मैं लिख जाके। कल जो आया था ना पुलिस वाले, जब कल पता चला। और कितने बार आते थे? एक ही बार थे, कभी कभी आते, एक ही बार आते थे। एक ही बार आके कुछ तभी लिख जाते, चाकलेटा बिस्किटा कोल्ड ड्रिंक्स अंडे वगैरह ले जाते थे। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा हमारे को, तो ऐसा है बोल के मालूम ही नहीं हुआ। दोनों आतंकियों को तेलंगाना पुलिस के खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान के बाद जांच एजेंसी तकनीकी सर्वेलेंस के जरिए इन पर नजर रख रही थी, और जैसे ही एनआईए को पता चला कि आतंकी इमरान फ्लाइट के जरिए दिल्ली जाने वाला है, तो जांच एजेंसी ने दोनों को इनके हैदराबाद वाले घर से दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि नासिर ने लश्कर ए तैयबा के इकबाल खाना और आसिफ खाना से बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने यूपी से जिस सलीम को गिरफ्तार किया है उसके संबंध पाकिस्तान के इकबाल खाना से थे। दरभंगा में धमाके की जिम्मेदारी आईएसआई ने सलीम को दी थी, और सलीम ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हैदराबाद में रहने वाले दोनों भाइयों इमरान और नासिर को दी थी। खबर तो ये भी है कि सलीम को दरभंगा ट्रेन ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए भी मिले थे। इमरान और नासिर इससे पहले प्रतिबंधित संगठन सिमी के लिए भी काम कर चुके हैं, और सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में धमाके से दहलाने के लिए इन दोनों को एक मोटी रकम दी गई थी। यही नहीं, ये भी पता चला है कि ये दोनों आतंकी दरभंगा के बाद भारत के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लश्कर के एक्टिव आतंकवादी जो उसके हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से वो अपने ऑपरेटिव्स को इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ स्लीपर सेल को एक्टिवेट करते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके पीछे हाफिज सईद का अगर हाथ है तो मुझे लगता है कि हमें जड़ पर अगर जाएं, और अगर जड़ में हाफिज सईद हैं तो मुझे लगता है जड़ का इलाज होना बहुत जरूरी है। दरभंगा धमाके के पीछे